हाँ बेटे, हाउ आर यू? क्या रहा बच्चों? अच्छा देखो, ऐसा है, अब JEE का पेपर जैसे मान लो अभी तो फॉर्म निकला नहीं है, काफ़ी बच्चे परेशान हैं, तो ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के जो एक मेंटल सिचुएशन है उसको मेंटेन करने के लिए कि पेपर कब होगा JEE का। देखो, JEE का पेपर वैसे फरवरी में हो जाता है, लेकिन अभी तक फॉर्म निकला नहीं है, और उसका जो मेन रीज़न हो सकता है वही है कि जो इलेक्शन इस समय चल रहे हैं, 4-5 स्टेट में हैं, ठीक है, उसकी वजह से। तो बोर्ड के पेपर के पहले, देखो JEE पिछली बार तो 4 बार पेपर लिया था, उसके पहले 2 बार लिया जाता था। तो आपको जो मैं वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, स्लाइड के थ्रू समझा रहा हूँ कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, उसको ज़रूर देखना, सारे स्लाइड देखो। और बाकी इससे रिलेटेड अपडेट आपको हम देते रहेंगे कि पेपर कब होगा, सेंटर कहाँ पड़ेगा, कितनी बार पेपर होगा, उसकी मेरिट कहाँ पर जाएगी, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप सबसे पहले तो उसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके उसको लाइक करो, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये जो पेपर है, दिस पेपर इज कंडक्टेड बाई NTA, ठीक है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और आप इसका पूरा का पूरा डिटेल आप इस साइट पर देख सकते हो, jeemain.nta.nic.in। ये पेपर, JEE का जो पेपर होता है वो दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो होता है आपका BTech का होता है, पेपर 2 आपका BR का, BPlanning का है। BTech का जो पेपर होता है, इसके थ्रू, इस पेपर के थ्रू 31 NITs, 25 IIT और 28 GFTI, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इसके अंदर होता है, ठीक है। तो देखो, इनमें एडमिशन होगा, लेकिन पेपर कब होगा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो पेपर ज़्यादा चांस है, होता है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें हो सकता है। बाकी देखो, इसमें आपको क्या करना है, देखिए जो BTech का पेपर होगा बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके BTech के बच्चों के लिए, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एक CBT पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगी इसकी, कंप्यूटर पर होगा पेपर ये। और इसमें हर सब्जेक्ट में, एवरी सब्जेक्ट है 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, विच कैरी +4 मार्क्स, सही होने पर 4 नंबर, गलत होने पर -1 मार्किंग मिलेगी आपको। अब थोड़ा सा पिछले साल से जो कोविड बैचेज हैं, अब ये कह सकते हो कोविड बैचेज, उनके लिए उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, उन्होंने 10 क्वेश्चन जो दे दिया है वो आपका क्या है, इंटीजर टाइप, जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। और उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया, भाई अगर सही होगा तो नंबर मिलेगा, नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। मीन्स उसमें से आपको सिर्फ 5 करना है, मीन्स टोटल आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 × 4 × 3, टोटल पेपर आपका जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा, सिंपल। 25 इस सब्जेक्ट, 4 मार्क्स की रैंकिंग हो, मार्किंग होगी इसमें, और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट आइए देखो, उसके बाद आप आइए BR और BPlanning में, मैथ आपका होगा CBT, और बाकी ड्राइंग का जो पेपर होगा वो पेन पेंसिल बेस्ड होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसके बाद जो है, अब जैसे बच्चों के क्वेश्चंस क्या हैं कि विल JEE मेन हेल्ड 4 टाइम्स, बेटे देखो ऐसा है, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, इसके पहले 2021 के पहले पेपर सिर्फ 2 बार होता था, एक बोर्ड के पहले और एक बोर्ड के बाद, लेकिन अब जो है बच्चों को थोड़ी सी सहूलियत दी गई है, उसके लिए पेपर 4 बार ले जाएगा। और ज़्यादा मोस्ट जो चांस है वो आपका किस में है, एक आपका होगा बेटे मार्च में, एक होगा आपका अप्रैल में, और एक होगा मई में, और एक होगा बेटे ज़्यादा चांस है जून में, अगर पूरी सिचुएशन सही रहे तब 2022 में। क्लियर ही है पेपर, ये पेपर का एक्सपेक्टेड मंथ है। देखो जब आपका फॉर्म निकलेगा, फॉर्म कैसे भरा जाए वो आपको बताऊंगा, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है वो मैं बताऊंगा, रैंकिंग के बेसिस पर आपको हम ऐसे टाइम टाइम वीडियो देते जाएंगे, लेकिन उसके साथ आप सब्सक्राइब करिए। देखो नेक्स्ट, इसके बाद आइए, कैन आई गिव JEE मेन? देखो बेटे ऐसा है, आप JEE मेन पेपर 3 बार दे सकते हो। अगर किसी बच्चे ने मान लो 2021 में दिया है, उसकी रैंकिंग सही नहीं है, वो 2022 में, 23 में भी दे सकता है, अगर उसमें एज लिमिट की कोई दिक्कत है नहीं, मतलब 3 बार तो आप दे सकते हो। अब देखो नेक्स्ट, के बाद जो है आप आइए, इस 75% मार्क्स नेसेसरी, इसके पहले 2021 के पहले JEE मेन से जो बच्चा जी एडवांस में जाता था उसके लिए 75% मिनिमम मार्क्स था, लेकिन अब उन्होंने 2021 से ये क्राइटेरिया को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है, नो नीड, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और अब पेपर के ज़्यादा चांसेस आपके देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून में हैं, इससे रिलेटेड पेपर
फॉर्म निकलेगा तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसमें कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेकर के चलने हैं, वो सारे अपडेट मैं आपको दूंगा। बस इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।